वर्ल्ड क्रिकेट में पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किस तरह से अपने आप को प्रूव किया है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान की क्रिकेट तेजी के साथ वर्ल्ड क्रिकेट सर्किट में ऐसी छाप छोड़ने में कामयाब रही है, जहां से उनकी टीम को बड़ी से बड़ी टीमों को टक्कर देनी ही नहीं बल्कि उन्हें मात देने का जज्बा नजर आया है। वर्ल्ड क्रिकेट में आज अफगानी प्लेयर्स राशिद खान, मोहम्मद नबी, नवीन उल हक, रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे एक से एक टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जिन्हें हर कोई जानने लगा है। लेकिन क्या अब तालिबान अफगानिस्तान क्रिकेट पर बैन लगाने जा रहा है? क्या अफगानिस्तान का क्रिकेट अब वर्ल्ड क्रिकेट पटल पर नजर नहीं आने वाला है? ये तमाम सवाल हमारे माइंड में घूमने लगे हैं क्योंकि ऐसा ही कुछ सुनने में आया है। दरअसल दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि वहां की तालिबानी सरकार क्रिकेट पर बैन लगाना चाह रही है। हालांकि ऑफिशियली पुष्टि की कोई खबर नहीं है, लेकिन सुगबुगाहट ने ही क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। अफगानिस्तान टीम ने बहुत कम समय में इंटरनेशनल क्रिकेट पर गहरी छाप छोड़ने में सफलता पाई है, लेकिन अब उसके धीरे धीरे एक टॉप टीम बनने की चाह में बाधा आ गई। अफगानिस्तान में इस समय तालिबानी सरकार है जो पहले ही महिलाओं को खेल खेलने पर रोक लगा चुकी है, और अब रिपोर्ट्स के अनुसार दावा है कि तालिबान के लीडर ने देश में क्रिकेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है। यह कितना सच है या कितना दावा है आने वाले समय में पता चलेगा। तालिबान के अफगान क्रिकेट पर बैन लगाने की खबरों पर आप क्या कुछ विचार करते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।